शिवाय आज जन्म में जातक मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होंगे। क्योंकि चंद्रमा दोपहर तक वृष राशि में रहेंगे और दोपहर के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में चले जाएंगे। ऐसे जातकों के अंदर दोहरी मानसिकता पाई जाती है। ऐसे बच्चे दृढ़ निश्चयी, हिम्मती, जुझारू, आकर्षक, ईमानदार, बुद्धिमान, यात्रा प्रिय और संगीत के शौकीन होते हैं। यह अत्यंत स्वाभिमानी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो यह पूर्ण सफल होंगे। आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बढ़ी हुई रहेगी। पहले से चली आ रही शारीरिक दिक्कतों में आराम मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन आपके दसवें घर में केतु, शुक्र, बुध और सूर्य चार ग्रह आ चुके हैं, जो कि आपके कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। व्यावसायिक सावधानी रखनी पड़ेगी। पारिवारिक उलझन बनी रहेगी। शाम तक माहौल आपके अनुकूल हो सकता है। आज आपकी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। काम करने में थोड़ी मानसिक उलझन महसूस होगी। कुछ काम रुक रुक कर संपन्न होंगे। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। आज आपको मेहनत के अनुरूप प्रतिफल में कमी महसूस होगी। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे जोड़ों से संबंधित या त्वचा से संबंधित समस्याएं। काम करने में पूरा मन नहीं लगेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। अपने परिवार और संतान के प्रति चिंताजनक स्थिति बनी रहेगी, मगर शासन सत्ता या न्यायालय से संबंधित कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी। माँ दुर्गा की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज आपको कई तरीके की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। व्यावसायिक व्यस्तता से लेकर संतान संबंधी, पारिवारिक और पत्नी से संबंधित पूरा दिन इसी में उलझा हुआ रहेगा। अपने स्वास्थ्य और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना रखें। खर्च की स्थिति बनी हुई है। अन्य मामलों में दिन सामान्य बीतेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप अनुकूल रहेगा। आपकी राशि से आपके राशि स्वामी सूर्य छठवें चल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द बना रहेगा। मांगलिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा, मगर आपकी कार्यशीलता प्रभावित होगी। काम करने में उत्साह की कमी महसूस होगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, फिर भी विरोधियों से धन आगमन हो सकता है। सूर्य देव को वर्ग दें और केले के पौधे में जल डालें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपका काम करने का उत्साह प्रभावित रहेगा। आर्थिक पक्ष से सहयोग बना हुआ है। व्यवसाय संबंधी उतार चढ़ाव लगा रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। कुछ प्रयास आपके सार्थक होंगे। शाम तक कुछ अनुकूलता मिलेगी। खास तौर से पेट संबंधी समस्याओं के लिए सावधानी बरतें। पारिवारिक और व्यावसायिक चिंता दोनों बनी रहेगी। इसी उलझन में दिन पूरा बीतेगा। फिर भी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धार्मिक कामों में मन लगेगा। प्रयास सार्थक होंगे। राजकीय या परिवार के मुखिया का सहयोग बरकरार रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज पूरा दिन असमंजस भरा हुआ महसूस होगा। कोई ठोस निर्णय लेने में अपने परिजनों और मित्र बंधुओं की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। संतान के प्रति चिंता का माहौल बना रहेगा। काम करने में थोड़ी रुकावट महसूस होगी।
हालांकि आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। मन अकारण भयग्रस्त रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें और केले के पौधे में जल डालें। मन का अंतर्द्वंद बढ़ा हुआ रहेगा। किसी काम में पूरी तरीके से मन नहीं लगेगा। व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। मन में चलने वाली दुश्चिंताओं को घर परिवार और बच्चों में शेयर करें। शाम तक समाधान निकल सकता है। हनुमान जी की आराधना करें और अपने मकान का ईशान कोण, मतलब पूर्व और उत्तर का कोना साफ सुथरा रखें। आपकी राशि पर चार ग्रह एक साथ चल रहे हैं, जो कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से असमंजस में डाल रखेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में दिक्कत महसूस करेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए अपने काम को निर्धारित करें। हालांकि अधिकारी वर्ग या व्यावसायिक पक्ष मजबूत है, आर्थिक मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गाय को घी लगी रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। मानसिक उलझन की वजह से व्यवहार में उत्तेजना महसूस होगी। किसी वाद विवाद में ना पड़ें। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक स्वास्थ्य पर व्यय की स्थिति बनी रहेगी। अपने आग्नेय कोण को साफ सुथरा रखें, सुंदरकांड का पाठ करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। बाएं कान या कंधे में पीड़ा महसूस हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आर्थिक पक्ष और कार्य व्यवसाय अनुकूल रहेगा। काम करने में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। शाम तक माहौल अनुकूल हो जाएगा। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।